नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। रायसेन के बेगमगंज में वाल्मीकि समाज पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर हिंदू जागरण मंच लटेरी ने एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिया। ज्ञापन में बताया कि 29 नवंबर को रायसेन जिले के बेगमगंज में मुस्लिम समाज के 3000 लोगों ने अवसर का लाभ उठाते हुए वाल्मीकि समाज की महिलाओं बहनों बंधुओं पर प्राणघात हमला किया। इस हमले के माध्यम से मुस्लिम समाज अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी भी दी कि यदि निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो परिणाम गंभीर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही प्रशासन की होगी और हिंदू समाज द्वारा पूर्ण शक्ति से इस उपद्रव का जवाब देगा। ज्ञापन देने के अवसर पर हिंदू जागरण मंच लटेरी के अध्यक्ष अंजू महाराज, महामंत्री रवि साहू, जिला मंत्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष नेत्राम प्रजापति, मंत्री देवीचरण गौर, विधि प्रमुख पवन चौके और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अनुविभाग लटेरी जिला मध्य प्रदेश जिसे बेगमगंज के वाल्मीकि बंधुओं पर किए गए प्राणघातक हमले के संबंध में उपयुक्त विषय में विषय अनुसार लेख है कि दिनांक 29 नवंबर की रात्रि 9 बजे बेगमगंज में वाल्मीकि समाज के बंधुओं पर एक षड्यंत्र के तहत करीब 3000 मुस्लिम समाज के युवकों ने प्राणघातक हमला किया, जिसके संबंध में महोदय जी का ध्यान आकर्षित कराकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करें। दिनांक 29 नवंबर को अधिकतम विवाह समारोह आयोजित होने के कारण वाल्मीकि समाज के बंधु नगर से बाहर थे। उसी का लाभ उठाते हुए मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने पूरी तरह योजना बनाकर पेट्रोल बम, तलवारों, बंदूकों, पत्थरों, ईंटों से हमला किया, जिसमें वाल्मीकि समाज की माताओं बहनों को निशाना बनाया और कई समाज के बंधुओं को गोली लगी।